राष्ट्र स्तर की बात करते हैं तो भाजपा कहती है कि हम प्रचंड बहुमत के लिए जाने जाते हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर विभिन्न राज्यों के चुनाव हो, हम ही मुख्यमंत्री का सपना पूरा करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री का सपना पूरा करने की राह कितनी आसान होगी, क्योंकि डेली वेजेस के ऊपर सियासत बहुत खूब होती है। मेरे साथ रवि जी हैं, कल देवेंद्र सिंह राणा से बात की थी, वो कहते हैं कि हम डेली वेजेस के साथ हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की है, क्या ये मुलाकात काफी है, क्या ये मसले हल होंगे या फिर डेली वेजेस आगे की ओर बढ़ते हुए अपनी हड़ताल जो है आगे बढ़ाते रहेंगे? रवि जी क्या लगता है, भाजपा तो आपके साथ है, क्या भाजपा के साथ है? मैम सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। दूसरा, आपने कहा कि भाजपा आपके साथ है, तो ये गलतफहमी अगर मेरे किसी भी साथी को है तो वो अपने दिमाग से निकाल दे। भाजपा सिर्फ अपने वोटों के साथ है और दोगली नीति डेली वेजर के साथ भाजपा खेल रही है। अगर भाजपा हमारे साथ है तो सड़क पे क्यों नहीं है? क्योंकि ये भाजपा जब डेली वेजर के साथ थी 2014 से पहले, तो ये सड़कों के ऊपर उतरा करती थी और डेली वेजर के धरनों में बैठा करती थी। ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये आज धरने पे बैठना भूल गए हैं। ये राजस्थान में धरने पे बैठ सकते हैं, महाराष्ट्र में बैठ सकते हैं, रैलियां भी निकाल सकते हैं, पंजाब में धरने दे सकते हैं, तो जम्मू में कौन सी गोली चल रही है? कोई गोली नहीं चल रही। एक तरफ ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, जब आप कई मीडिया सवाल पूछता है तो ये कहते हैं जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार नहीं है तो इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये डेली वेजर के पक्ष में रोड के ऊपर क्यों नहीं आते? ये तो वो पार्टी है जो कुत्ता मर जाता था कहीं रोड पे, तो तब भी ये धरना देते थे कि उस गाड़ी वाले को पकड़ो, उसने कुत्ता मार दिया। तो आज क्या हो गया? आज तो लोग मर रहे हैं, आज तो जम्मू के लोग मर रहे हैं। सत्ता में बैठे तो भूल गए, विपक्ष में वोट लेने थे तो आप तक पहुंच गए। बिल्कुल मैम, ये सही बात है, डेली वेजर कोई इनके साथ नहीं है। ये भी जितनी जल्दी हो सकता है ये अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दें, वरना आने वाले थोड़े दिनों के अंदर जो जो डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां इनके प्रोग्राम होंगे इनको खुद पता चल जाएगा। वहीं पे इनका जब विरोध होगा, वहीं पे इनके खिलाफ नारेबाजी हो, इनके गलतफहमी दूर हो जाएगी। और ये 50 प्लस का सपना देखें, सपने देखने में कौन सा हर्ज है? 50 के बजाय 90 पार का सपना देखें। सपने टूटते हुए भी हमने यहीं पे देखे हैं। यहाँ बड़े बड़े पावर बैंक हुआ करते थे, जैसे हमारे अब्दुल रहीम राठौर जी होते थे फाइनेंस मिनिस्टर जम्मू के, तो वो लगातार 36 साल MLA रहे, तो उनको भी यही घमंड था कि मैं कभी हारता नहीं हूं। तो शायद एक दो बार उन्होंने डेली वेजर के लिए उल्टा सीधा बोला, तो डेली वेजर ने एक फैसला किया था 2014 में कि इनका कोई कैबिनेट मंत्री नहीं जीतने देंगे। तो इन लोगों को हिस्ट्री उठा के देख लेनी चाहिए, 2014 में जम्मू में कोई भी पुराना कैबिनेट मंत्री नहीं जीत पाया था। ये जितनी जल्दी अपने दिमाग से गलतफहमी निकालेंगे उतना इनके लिए अच्छा होगा। आपने देवेंद्र रैना जी की बात की, बहुत अच्छे नेता हैं, जम्मू की बात करते हैं, करके आए हैं LG से बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने LG से बात नहीं की होगी, हमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं एक चीज उनसे पूछना चाहता हूं, अगर LG साहब आपकी बात नहीं मान रहे तो दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, 576 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर यहां आपकी सुनवाई नहीं होती, ट्रैक दूसरा पकड़े दिल्ली। मैं बता दूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, रविंद्र रैना से लेकर तमाम जो बड़े नेता है जम्मू में, जो किसी कुर्सी पर काबिज भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, वो JP नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो तस्वीरें पूरे देश में जो है छा रही है, देखिए भाजपा रणनीति बना रही है आगामी 2024 के चुनाव के लिए। तो उस बैठक में आपका जिक्र अगर होता तो कितना लाजमी होता, वो सिर्फ JP नड्डा तक नहीं पहुंचता, पूरे देश तक पहुंचता कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर कितने परेशान है। मैम मैंने पहले आपको बताया कि भाजपा दोगली नीति खेलना चाहती है, दोगली नीति अब सामने इनका जो दोहरा चरित्र है वो लोगों के सामने आ चुका है। और इनको ये तो पिछले वालों का तो फिर भी आज कोई नाम लेता है, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, इनका नाम लेने वाला जम्मू के अंदर कोई नहीं होगा। इन लोगों ने जम्मू का सत्यानाश कर दिया, आज बाहर से सारे ब्यूरोक्रेट्स ला के यहाँ सेक्रेटरी के अंदर LG हाउस के अंदर बिठा दिए, ना जम्मू वालों की किसी की सुनवाई है, ना किसी का हक मिल रहा है। आम जनता आप देखो सड़कों पे है, डेली वेजर देख लो वो सड़कों पे है, BISF, CISF, डॉक्टर, पैरामेडिकल, सभी लोग दरबदर हो रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अच्छा, आपको विभाग के कुछ अधिकारियों का कॉल आता है कि देखिए यहाँ पर ये परेशानी हो गई है, आप चले जाइए, कभी आता है? क्योंकि पानी की तो किल्लत बहुत ज्यादा है। मैम सभी कह रहे हैं कि हमारी जान छुड़ाओ, परमानेंट एम्प्लॉयज भी कह रहे हैं, यहाँ जूनियर इंजीनियर भी कल भी कुछ कह रहे थे, इस ट्राई को खत्म करो, हमारी बुरी हालत हो गई है। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमने किसी का पानी रोका तो है नहीं, हमने सिर्फ काम छोड़ा है, आप हमारा मसला हल करवा दीजिए, हम आज काम करेंगे। अगर हमने 25 साल काम किया है, आगे भी करेंगे। अगर अनुमान लगाया जाए कितने प्रतिशत डेली वेजर्स हैं इस विभाग में, कितने प्रतिशत जो है परमानेंट एम्प्लॉय है, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय आपका काम कर रहे हैं अभी? मैम 80% डेली वेजर है और परमानेंट एम्प्लॉयज 20% है। हाँ, जम्मू सिटी के अंदर परमानेंट एम्प्लॉयज जो है वो ज्यादा है, क्योंकि रूरल एरिया में क्या होता था कि सैलरी कम होती थी, तो ज्यादातर लोग यही कोशिश करते थे वो सिटी में रहें, क्योंकि वहां पे उनको हाउस रेंट मिलता था। तो सिटी के अंदर परमानेंट एम्प्लॉयज ज्यादा है, जिस वजह से इनसे थोड़ा बहुत पानी चल रहा है। और दूसरी बात,
म्युनिसिपैलिटी ने अपना स्टाफ डिप्यूट किया हुआ है। हाँ, जो चार डिवीजन जो सिटी के म्युनिसिपैलिटी के पास है वहां पे म्युनिसिपैलिटी का भी कुछ स्टाफ डिप्यूट किया हुआ लोगों को पानी देने के लिए, लेकिन फिर भी ये जहां पानी रूटीन में डेली दो बार आता था वहां तीसरे चौथे चौथे दिन पानी आ रहा है। तो ये जितना लेट करेंगे जितना इस तो जनता भी कह रही है कि बस करो त्राही माम हो गया है, अब तो डेली वेजेस के लिए वो भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैम जनता को बोलना पड़ेगा, और हमारी जनता है, हमारा समाज है, कोई दूर के हम कहीं बाहर के नहीं है, ये हमारा ही परिवार है यहाँ पे भी रहने वाले। और मेरे ख्याल में जितनी जल्दी इस चीज को भाजपा समझेगी उतना इनके लिए अच्छा होगा। परमानेंट एम्प्लॉय आप तक पहुंच रहे हैं, एडवाइजर चीफ सेक्रेटरी या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उनकी तरफ से कोई कॉल आया है? नहीं, उनकी तरफ से मैम कोई कॉल नहीं आया। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि एलजी साहब के पास शायद, क्योंकि हम भी लगातार डेढ़ साल से कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ मिलें, लेकिन वो मिलना नहीं चाहते। उनको पता है कि मैंने झूठा वादा किया हुआ तो मिलूंगा कैसे, कैसे फेस करूंगा। तो हम फिर भी यही कहते हैं कि आप पॉलिसी अनाउंस कर दो, हमें मिलना छोड़ दो, हम आपके पास नहीं आएंगे, आप पॉलिसी वहां से अनाउंस कर दो, हम कॉल ऑफ कर देंगे। आगे बढ़ने वाली है स्ट्राइक या नहीं, क्योंकि हर दिन आपकी वीडियो जो है वो वायरल होते हैं, आप खुद ही बता देते हैं, अब आगे क्या? मैम आगे भी बढ़ेगी जब तक हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी के ऊपर सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती, स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। हाँ, इसमें टर्न आएंगे, जैसे एक टर्न आया था कि पुल रोका गया था, शायद दूसरा टर्न आए, सेक्टर का गिराव हो। यानी अब आप अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल घेरेंगे मैडम, और सबसे ज्यादा बीजेपी का नुकसान होगा, और बीजेपी के जितने भी लीडरशिप जम्मू में बैठी हुई है वो अलर्ट रहे, क्योंकि अब नंबर उनका कभी भी आ सकता है। देखिए, भाजपा को खुली चेतावनी है रवि हंस जी की तरफ से, डेली वेजेस की आवाज बनते हैं, लेकिन ये जो संख्या अर्जुन आप दिखा दीजिए तमाम डेली वेजेस, जब आज आपके घर में पानी नहीं है, लेकिन जब पानी होता था तो उस समय ये डेली वेजेस जो है आपके घर में पानी पहुंचाने का काम करते थे। कोरोना काल में इनको प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई सर्टिफिकेट भी दिए जाते थे कर्मवीरों का, लेकिन आज कर्मवीर भी सड़कों पर है, आज काम छोड़ो हड़ताल है, 11वां दिन है आज, और आगे ये दिन जो है वो बढ़ने वाले हैं। जनता जो है परेशान हो रही है, लेकिन ये सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि देखिए हमें जो है आप रेगुलराइजेशन के दायरे में ले आइए। आप भी हमारे बने रहिए, देखते न्यूज़ नॉलेज जो